अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में टैंग लिन को धमकी देता है कि उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा और वो वहाँ से चला जाता है। फिर लू घबराते हुए लिन को बोलती है अगर वो पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर ध्यान लगा देगा तो तुम इस कंट्री में कभी नहीं रह पाओगे, तुम्हें सिर्फ अब्रॉड ही जाना पड़ेगा और मुझे नहीं पता कि तुम अब्रॉड में भी सुरक्षित रहोगे कि नहीं। ये लोग इस कंट्री का नंबर वन फैमिली है, हमारी कोई मदद नहीं करेगा, हम लोग तो गए। लिन सोचते हुए बोलता है मैं भी कुछ बड़े फैमिली को जानता हूँ, वो लोग उतने ताकतवर नहीं है टैंक फैमिली के तरह, लेकिन तुम्हारे और टैंक फैमिली में कोई भी दुश्मनी नहीं है। मैं उन लोगों से मदद मांगूंगा और सारा जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर होगा, कम से कम मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बचा सकता हूँ। लू बोलती है तुम्हारा क्या मतलब, तुम अकेले ही लड़ोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। लिन बोलता है ये अच्छा नहीं होगा क्या, अभी के हालात में वो सिर्फ मुझे ही टारगेट ले रहा है, तो मुझे उतना भी चिंता नहीं है। मेरा कुछ कांटेक्ट है मिलिट्री में, मैं उन लोगों से भी मदद मांग लूंगा, देखा जाए तो हम दोनों ही ठीक ही रहेंगे। लू बोलती है तुम्हारा जैसा प्लान है वो काम कर गया तो सही रहेगा, नहीं तो मुझे डर लग रहा है फिर क्या होगा। लिन बोलता है कोई बात नहीं, मैं किसी को मारूंगा नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं होता है किसी को मनाना, कोई परवाह नहीं, वो लोग कितने भी अमीर हो, वो लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए और तब तक मैं ठीक ही रहूंगा। दूसरी तरफ टैंग अपने ऑफिस में रहता है और वो एक आदमी को बोलता है तो कैसा रहा तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन लिन फेंग के ऊपर। वो आदमी रहा हाँ हो गया पूरा, लिन फेंग का जन्म हुआ था नैनसिंग में, उसका पेरेंट्स लेबर है और उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है, उसके बारे में इतना भी खास नहीं है कुछ, 18 साल पहले फिर वो अचानक से गायब हो गया था 6 महीने के लिए, फिर वो वापस आया तो पूरी तरह से बदल गया था। उसके बाद वो हैगजिंग यूनिवर्सिटी में आया था 760 पॉइंट में और उसका बचपन का प्यार है जिसका नाम है टियान मैंगवान और उसे वो क्वान क्वान भी बोलता है, वो यूनिवर्सिटी में सबसे जिद्दी लड़का है, उसका पहले से गर्लफ्रेंड है लेकिन वो गॉन्ग स्वान को फ्लर्ट करता है जो गॉन्ग फैमिली से है। इसके अलावा वो लैन कुआ और टोंग जाओकू से भी फ्लर्ट करता है, इसका कोंगयू से अच्छा दोस्ती है और इसके अलावा वो यनबो का भी हाथ तोड़ा था लेकिन उसे कोई भी मुसीबत का सामना करना नहीं पड़ा अभी तक, और इसका दोस्त लोग को देखकर लग रहा है इसका कांटेक्ट होगा मिलिट्री में भी। टैंग बोलता है वो मैं समझ गया, वो यनबो को मारा था लेकिन उसे कोई भी परेशान नहीं किया इसलिए वो इतना भाव खा रहा है, लेकिन मैं यन फैमिली नहीं हूँ और न ही यनबो, मैं उन दोनों से ही ताकतवर हूँ, अच्छा है कि मेरा बैकग्राउंड बहुत ही अलग है इन लोगों से। वो आदमी बोलता है ये लड़की कैसे रहेगी, इसका कोई स्पेशल बैकग्राउंड नहीं है, ये लिन का फाइल है और इसमें उसका गर्लफ्रेंड का फोटो है। गोंग लैन और टोंग ये फैमिली बहुत ही ताकतवर है लेकिन ये कुछ भी नहीं है, इसका फैमिली उतना ताकतवर नहीं है लेकिन ये बहुत ही सुंदर है, मुझे लगता है कि आप इसे पसंद करोगे यंग मास्टर। टैंग जैसे उसका फोटो देखता है और हंसते हुए बोलता है तुम सही में मुझे जानते हो, अब मुझे मजा आने वाला है। वो आदमी बोलता है शुक्रिया यंग मास्टर। दूसरी तरफ लिन कॉन्ग को मिलने के लिए बुलाता है, कॉन्ग उससे मिलने जाती है और बोलती है तुम मुझे इतनी रात को क्यों बुलाए हो, क्या तुम्हारा गलत इरादा है क्या मेरे ऊपर कुछ करने का। लिन बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो यहाँ पर आया तुमसे मदद मांगने के लिए। फिर लिन उसे सारा कहानी बता देता है टैंग और उसके बीच में जो हुआ था। सुयान बोलती है ओह मैं समझ गई, तुम चाहते हो मेरी फैमिली तुम्हारी रक्षा करे ना। लिन बोलता है हाँ क्या तुम करोगी। कॉन्ग गुस्से से बोलती है मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगी, ये तुम्हारा लव अफेयर की वजह से हुआ है, तुम लोग को छोड़कर मेरे से फ्लर्ट करने आ गए थे, तुम्हें याद है ना, तुम बहुत ही बेशरम हो और तुम मुझे बहुत ही तंग करते रहते हो। लिन कॉन्ग स्वान के सामने झुक जाता है और ये देखकर कॉन्ग शॉक्ड हो जाती है और बोलती है तुम मेरे सामने क्यों झुक रहे हो, तुम सही में लड़के हो ना। लिन बोलता प्लीज लू को बचा लो, वो बहुत ही शरीफ है, मैं ठीक रहूंगा अगर वो मुझे टारगेट किया तो, लेकिन वो नहीं रह पाएगी, प्लीज मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। कॉन्ग अपने मन में बोलती है ये मेरे से प्रार्थना कर रहा है। लिन कॉन्ग के सामने सर पटकने लग जाता है, ये देखकर स्वान बोलती है ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं सिर्फ ट्राई कर सकती हूँ लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि ये काम करेगा कि नहीं। लिन बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। सुयान बोलती है अब उठ जाओ, ये बहुत ही अजीब लग रहा है मुझे। उसी समय लिन का फोन आ जाता है, लिन रिसीव करके बोलता है हेलो, बात करते करते वो शॉक्ड होकर बोलता है क्या। लिन हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर क्वान की दोस्त होती है, लिन वहाँ पर जाकर बोलता है क्वान कहाँ पर है, वो अभी कैसी है। उसकी दोस्त रोते हुए बोलती है क्वान 7th फ्लोर से कूद गई, हम लोग उसे जल्दी से इमरजेंसी में ले आए एकदम सही टाइम में और उस दौरान उसकी सांसें नहीं चल रही थी। फिर लड़का लिन को बोलता है उसका अभी अंदर में इलाज चल रहा है, मुझे पता नहीं अब क्या होगा। लिन ये सब सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, फिर वो उस लड़का का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है
क्वान बिल्डिंग से जम क्यों की, ये सब चल क्या रहा है? वो लड़का बोलता है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं तो अभी हॉस्पिटल में आया हूँ। वो लड़की बोलती है, शाम के समय में क्वान जूस खरीदने के लिए बाहर गई थी लेकिन वो वापस नहीं आई। फिर हमें हॉस्पिटल से फ़ोन किया गया कि वो बिल्डिंग से कूद गई है। हमें भी यही जानना है कि क्वान बिल्डिंग से क्यों कूद गई थी। लिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है पूरी तरह। उसी समय डॉक्टर बाहर आकर बोलता है, टियान का परिवार कौन है? लिन बोलता है डॉक्टर को, वो मेरी फियांसी है, वो अभी ठीक है ना डॉक्टर? डॉक्टर बोलता है, उसकी सांसें अब वापस आ गई है और उसकी जान बच गई है। लिन बोलता है, शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर। क्वान के दोस्त लोग ये सब सुनकर खुश हो जाते हैं। फिर डॉक्टर बोलता है, लेकिन मुझे डर है कि वो वापस उठ नहीं पाएगी। फिर लिन बोलता है, इसका क्या मतलब, वो कभी उठ नहीं पाएगी? फिर डॉक्टर बोलता है, उसका शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करेगा, मुझे माफ़ करना। और इसे वेजिटेटिव पेशेंट भी बोला जाता है। लिन शॉक्ड होकर बोलता है, वेजिटेटिव पेशेंट? लिन चिल्लाकर बोलता है, ये नामुमकिन है, मुझे उसे देखने दो, मुझे लीज क्राफ्ट आता है, मैं शायद उसकी मदद कर सकता हूँ। डॉक्टर उसे रोकते हुए बोलती है, ये बहुत ही बेकार है, अभी उसका सर्जरी हो रहा है, उसे 3 दिनों तक कोई भी छू नहीं सकता है। अगर तुम उसे ज़िंदा रखना चाहते हो तो तुम यहीं पर रहो। फिर लिन कुछ देर तक शॉक्ड हो जाता है और फिर गुस्से से बोलता है, डॉक्टर आपको पता है वो कहाँ से गिरी है? डॉक्टर बोलती है, मैं सुनी हूँ कि वो सांगरीले होटल से गिरी थी। फिर वो अपने मन में बोलती है, ये लड़का का प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत ही डरावना दिख रहा है। फिर लिन वहाँ से जाते हुए बोलता है, शुक्रिया आपका डॉक्टर। वो लड़का लिन को बोलता है, तुम जा रहे हो क्या लिन? लेकिन लिन उसे इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। सुहान रूम के बाहर रहती है और आते हुए बोलती है, लिन फ़ोन उठाकर हॉस्पिटल में आ गया, मैं सही में उसे पकड़ नहीं पा रही हूँ। उसी समय वहाँ से लिन निकलता है। लिन को देखकर बोलती है, लिन तुम कहाँ जा रहे हो, तुम तो अभी ना हॉस्पिटल आए हो। लिन बोलता है, एकदम सही समय में आई हो, मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। सुहान बोलती है, फिर से? लिन उसे कार्ड देते हुए बोलता है, ये रहा मेरा ATM कार्ड और इसमें 100 million won है और इसका पासपोर्ट एकदम सिंपल है, से 0। क्वान अभी वेजिटेटिव पेशेंट बन गई है और उसका मेडिकल का खर्चा इस पैसे से दे देना। सुहान वो कार्ड लेकर बोलती है, 100 million won और वेजिटेटिव पेशेंट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? रुको, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तुम कहाँ जा रहे हो और तुम कर क्या रहे हो? लिंग बोलता है, सांगरी ला होटल। सुहान बोलती है, सांगरी ला, तुम वहाँ क्या करने जा रहे हो? फिर वो घबराते हुए अपने मन में बोलती है, रुको, सांगरी ला होटल, वहाँ तो टैंग है ना, टैंग वेजिटेटिव पेशेंट, इसका मतलब ये हुआ कि। सुहान उसे रोकते हुए बोलती है, रुक जाओ, तुम वहाँ पर जा नहीं सकते हो ऐसे। और वो जैसे लिन को रोकती है, लिन तब तक वहाँ से चला जाता है। फिर वो जल्दी से फ़ोन लगाकर बोलती है, भाई जल्दी से सांगरी होटल में जाओ, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होने वाला है।